Hamza bagini viladarini Hamza bagini viladarini Himana ganandini jagata kalyani Himana ganandini jagata kalyani జగత జనని మాతా సరస్వతి శారదా మాతా సరస్వతి శారదా శారదా సరస్వతి శారదా శారదా సరస్వతి శారదా Sharada 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 Mata Saraswati Sharada. Good morning my dear brothers and sisters, aaj hum log lecture number 34 dekhenge jisme hum log डबल साइड में फुल कैरियर का ही जनरेशन देखेंगे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे स्विचिंग मॉड्यूलेटर का यूज करके। किसका? स्विचिंग मॉड्यूलेटर का यूज करके। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का यूज करके कैसे बनाते हैं, इसमें स्विचिंग मॉड्यूलेटर। चलो, सामने आपके एक सर्किट दिख रही है स्क्रीन पे, इसमें दो सोर्स है, एक सोर्स है हमारा कैरियर का, एक सोर्स है हमारा मैसेज सिग्नल का, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। फिर हमारा एक डायोड लगी हुई है और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये देखो क्या है यहाँ पे कि ये जो सीटी है ये हमारा क्या जनरेट कर रहा है, कैरियर, ठीक है, सिग्नल को जनरेट कर रहा है। जो एमटी है वो हमारा मैसेज सिग्नल को जनरेट कर रहा है। तो इस डायोड के इनपुट में कितना वोल्टेज होगा, इस डायोड के इनपुट के हमने कितना वोल्टेज होगा उसको हम लोगों ने VIT से लिखा है, VIT is equal to CT plus MT। और हम लोगों ने तो VIT की वैल्यू क्या होगी, CT plus MT, ये तो समझ में आ रहा है कि CT plus MT ये VIT की वैल्यू होगी, और यही वोल्टेज हमारा इनपुट यहाँ पे होगा इस डायोड के इनपुट में, ठीक है। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करा कि CT का जो एम्पलीट्यूड है, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोगों ने बहुत बड़ा रखा है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से, ठीक है। कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोगों ने बहुत बड़ा रखा है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से, बहुत बड़ा रख दिया हम लोगों ने। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है हम लोग अगर उससे बहुत बड़ा रख देते हैं, और ये तो होता ही है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी हम लोग ज्यादा रखते ही है, वो तो मॉड्यूलेशन का बिल्कुल बेसिक ही है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी को मैसेज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखना ही होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर तो होता ही है। बस मेन चीज यहाँ पे ये करी गई है कि जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो हम लोगों ने बहुत बड़ा रखा है एमटी के मैग्नीट्यूड से। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब कैरियर का, मान लीजिए कैरियर पॉजिटिव है ना, कैरियर जब पॉजिटिव होगा इसका एम्पलीट्यूड, जब कैपेसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो MT की हम ये कह सकते हैं कि MT की वैल्यू चाहे जो भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, है ना, कुछ भी हो MT की वैल्यू, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा VIT की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, VIT की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक बार फिर से देखो, लगभग लगभग अगर कैरियर हमारा पॉजिटिव है और कैरियर पॉजिटिव है इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है MT से, है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ी होती है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी वेरी भी कर रहा होगा, बहुत जल्दी जल्दी अपना एम्पलीट्यूड भी के हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच रहा होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है ना, और एमटी हमारा धीरे धीरे और इसके एम्पलीट्यूड भी बहुत छोटा है ना। तो हमारा एक ओवरऑल जनरल हम ये कह सकते हैं, जनरल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर कैरियर हमारा पॉजिटिव है तो, कैरियर अगर हमारा पॉजिटिव है तो एमटी की चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो VIT इज इक्वल टू CT प्लस MT है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इन जनरल कि लग वो VIT की वैल्यू लग भी पॉजिटिव ही होगी,
मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में, मतलब 90% के 95% केसेस में आपका जो वीआईटी की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो जनरल हम ये कर दे रहे हैं कि जब सीटी पॉजिटिव होगा तो वीआईटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब सीटी निगेटिव, जब सीटी निगेटिव है तो हमारा वीआईटी की वैल्यू भी वीआईटी इक्वल टू सीटी प्लस एमटी। तो एमटी चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे अपनी पीक पे हो, लेकिन क्योंकि अब ये निगेटिव है यहाँ पे है मान लो, है ना, तो इसमें एमटी अगर इतना इतना हम पॉजिटिव भी ऐड कर दें तब भी ये यहीं पे पहुंचेगा। तो मतलब कि कुल मिला के जो होगा कि ये लगभग आप ऐसा मान लीजिए कि जब सीटी निगेटिव है तो वीआईटी भी निगेटिव ही होगा, भी निगेटिव ही होगा। ये हम लोगों ने माना है कि इसके एम्पलीट्यूड इतना हम लोगों ने, इसीलिए हम लोगों ने इसके एम्पलीट्यूड को बहुत बड़ा कर दिया है, इससे एम्पलीट्यूड कैरियर के एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से, तो उस केसेस में, और कैरियर फ्रिक्वेंसी तो बड़ी होती ही है मैसेज फ्रिक्वेंसी से, वो तो पुरानी बात है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कैरियर का जो कैरियर जब पॉजिटिव होगा तो वीआईटी पॉजिटिव होगा, कैरियर जब निगेटिव होगा तो वीआईटी भी निगेटिव होगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। तो अब एक चीज देखो, जब हम, तो इतनी बात आप, ये हो गया कि कैरियर पॉजिटिव वीआईटी, तो हमें मिला कि वीआईटी भी पॉजिटिव है, जब कैरियर पॉजिटिव तो वीआईटी भी पॉजिटिव, तो उस केस में वी नॉट टी, तो जब वीआईटी पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, है ना, जब यहाँ पे वीआईटी पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, तो वी नॉट टी की वैल्यू क्या आएगी, वीआईटी के बराबर आएगी। और जब कैरियर निगेटिव है तो हम लोग कह सकते हैं कि वीआईटी की वैल्यू भी निगेटिव है ना, तो चाहे एमटी की वैल्यू कुछ भी हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका बहुत ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है। तो वी नॉट टी की वैल्यू, ये डायोड क्या होगी तब, रिवर्स बायस होगी, ये डायोड रिवर्स बायस होगी, तो भाई वी नॉट टी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। तो कैरियर जब पॉजिटिव होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मैसेज सिग्नल इज, वीआईटी विल बी पॉजिटिव, तो मतलब डायोड ऑन होगा, वी नॉट टी की वैल्यू वीआईटी होगी, जब कैरियर नेगेटिव होगा तो वीआईटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डायोड ऑफ होगा, वी नॉट टी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो वही हम लोगों ने ग्राफ किस तरीके से भी शो करा है कि जब जब आपका देखो ये जीरो से ज्यादा है VIT की वैल्यू, तो हम V नॉट इज इक्वल टू, यानी VIT की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो आउटपुट में क्या आ रहा है, V नॉट T इज इक्वल टू VIT, तो आउटपुट V नॉट T की वैल्यू VIT के बराबर है, ठीक है। और जब हमारा VIT की वैल्यू जीरो से छोटी है, देख रहे हो ना यहाँ इस वाले केसेस में जीरो से जब छोटी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो जीरो से जब छोटी है तो क्या हो रहा है कि हमारा V नॉट T की वैल्यू जीरो है, तो आउटपुट जो है V नॉट T उसकी वैल्यू जीरो है, ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप हम लोगों ने ग्राफ के द्वारा शो करी। अब एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर कोई हमने आउटपुट है क्या, एक्चुअल में आउटपुट है हमारा वीआईटी, आउटपुट है हमारा, आउटपुट की वैल्यू है वीआईटी, अभी रुको हम बता रहे हैं, आउटपुट की वैल्यू इसको अभी हम एक दूसरे तरीके से अभी बता रहे हैं। पहले अच्छा ये देखो, ये एक ये पल्स की ट्रेन देखो, ठीक है। पहले अच्छा ये मानो कि कैरियर जो है वो इस तरीके से वैरी कर रहा है, कैरियर इस तरीके से वैरी कर रहा है, यानी यहां पे देखो माइनस टीसी बाई फोर से लेके प्लस टीसी बाई फोर के बीच में कैरियर की वैल्यू पॉजिटिव है,
तो माइनस टीसी बाय एक हम लोगों ने पल्स ट्रेन बनाई, एक हम लोगों ने पल्स ट्रेन बनाई जिसकी वैल्यू वन तब होती है जब जब कैरियर पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब जब कैरियर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब तब ये इसकी वैल्यू, इस पल्स ट्रेन की वैल्यू वन होती है। हम लोगों ने एक अब हमें आउटपुट लिखना है ना, अभी हम लोगों ने आउटपुट ऐसे लिखा है, तो वी नॉट इक्वल टू वी आई टी जब सी टी पॉजिटिव है, और वी ऐसे लिखा जब सी टी निगेटिव है, तो वी नॉट इक्वल टू जीरो। हमें थोड़ा एक्सप्रेशन में लिखना है आउटपुट, तो उसको लिखने के लिए एक नया थ्योरम कर रहे हैं यहाँ पे। वो क्या कर रहा है कि जब हम लोगों ने एक पल्स ट्रेन ले ली, एक पल्स ट्रेन ले ली, ले एक ये पल्स ट्रेन ले ली जिसकी वैल्यू वन तब होती है, जिसकी वैल्यू वन तब होती है जब जब ये सी टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर सी टी की वैल्यू माइनस टी सी बाई फोर से प्लस टी सी बाई फोर के बीच में पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू वन यहाँ पे है। जब इस सी टी की वैल्यू थ्री टी सी बाई फोर और से लेके फाइव टी सी बाई फोर के बीच में है, पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे वन है। बाकी सब केसेस में इसकी वैल्यू जीरो है। जब सी टी की वैल्यू निगेटिव होती है तब ये वैल्यू जीरो है। और अभी तक हम क्या लिख रहे थे, वी नॉट टी इज इक्वल टू वी आई टी जब सी टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और जीरो जब सी टी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है। यही तो लिख रहे थे अभी तक, वी नॉट टी की वैल्यू। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखने की जगह इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, वी नॉट टी वी आई टी इंटू पी टी। पी टी क्या है, ये हमारी पल्स ट्रेन है जो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बनाई है, और पी टी की वैल्यू कब होती है, वन। पी टी की वैल्यू, और पी टी की वैल्यू क्या है, पी टी है हमारी वन जब सी टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और जीरो अदरवाइज। ये पल्स ट्रेन है, ये पल्स ट्रेन है, और इसकी वैल्यू वन तब होती है जब सी टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और जीरो अदरवाइज। तो हम लोग क्या वी नॉट टी इक्वल टू वी आई टी इंटू पी टी लिख सकते हैं? अभी तक हम लोगों ने ये लिखा कि वी नॉट टी इक्वल टू की वैल्यू वी आई टी होती है जब सी टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, और जीरो होती है जब सी टी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो होती है। पीछे देख लो, वी नॉट जब सी टी पॉजिटिव, जब सी टी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जब सी टी ग्रेटर देन जीरो है, जब सी टी ग्रेटर देन जीरो है तो वी नॉट टी की वैल्यू वी आई टी के बराबर है, और जब सी टी निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या, सी टी जब स्मॉलर देन जीरो है तो वी नॉट टी की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिखते थे वी नॉट टी इक्वल टू वी आई टी जब सी टी ग्रेटर देन जीरो होता था, जीरो जब सी टी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो होती। तो हम लोगों ने वी नॉट टी इस तरीके से लिखने की जगह इस तरीके से लिख दिया, वी नॉट टी इक्वल टू वी आई टी इंटू पी टी। पी टी एक पल्स की ट्रेन है, जब पी टी की वैल्यू वन तब होती जब सी टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जीरो अदरवाइज। ठीक है, तो ये पल्स की ट्रेन है आपकी। तो हमारे एक्सप्रेशन में आ गया वी नॉट टी इक्वल टू वी आई टी इंटू पी टी, ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन। ठीक, वो तो सब वही सब चीजें अभी हम लोगों ने जो अभी हम मैंने जो एक्सप्लेन करा वही सब लिखा हुआ है। अच्छा, इस पल्स का एक और चीज यहाँ पे जो हम उससे शायद अभी छूट गई है, वो क्या, इस पल्स का टाइम पीरियड क्या होगा? इस पल्स का टाइम पीरियड वही होगा जो इस सीटी का टाइम पीरियड है। ठीक है, क्योंकि इस सी टी का टाइम पीरियड देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक है, जीरो से टी सी है, टी सी अगर इसका है तो इसका भी जीरो से टी सी, यही इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इस पल्स का भी टाइम पीरियड हमारा टी सी ही के बराबर है, तो टी पी इक्वल टू टी सी जो स्क्वायर वेव है उसका भी टाइम पीरियड यही होगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो हम बताया नहीं यहाँ पे। अब हम लोगों ने वो जो ये लिखा ना फालतू में, वी नॉट टी इक्वल टू वी आई टी इंटू पी टी, ये इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा, वो एक्चुअल में क्या क्यों लिखा? क्योंकि अब ये पी टी पीरियोडिक फंक्शन बन गया है ना, पी टी की वैल्यू तब वन होती है। देखो पी टी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, इसको देख रहे हो, देखो पी टी एक ये
तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जीरो, ये टीसी, फिर इस तरीके से है पीटी। जब इसकी वैल्यू वन तब होती है जब सी टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, या जीरो जब सी टी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, और इसी तरीके से पीछे भी है, ठीक, माइनस टी सी। तो ये पी टी हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम लोग इस पी टी को क्या फूरियर सीरीज के में लिख सकते हैं, के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना? हम लोग ऑफ कोर्स लिख सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन को आप फोरियर सीरीज के टर्म्स में। तो हम लोग जो पीटी को फोरियर सीरीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो पीटी इक्वल टू 1/2 + 2/π, ये बनेगा हमारी इसकी फोरियर सीरीज, ठीक है? और ये हमारी इसकी फोरियर सीरीज बन गई। फिर हम लोगों ने, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पीटी की जगह पे ये वाली सीरीज लिखेंगे पूरी। पहले थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एन की वैल्यू वन से इनफाइनाइट तक जा रही, तो कुछ एन की वैल्यू वन के लिए, एन की वैल्यू टू के लिए, बाकी सब के लिए डैश 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 कर देते। तो इसको हम लोगों ने एक्सपेंड करा, ये वैल्यू आई, ठीक। इसको एक्सपेंड करा, ये वैल्यू आई। फिर हम लोगों ने क्या करा, इस पूरी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में लिखा, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई टी इंटू पी टी, इस पूरी एक्सप्रेशन को। अब वी आई टी की वैल्यू हम लोगों ने पुट करी एम टी प्लस सी टी, तो एम टी प्लस सी टी और इंटू पी टी। सी टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए सी कॉस 2π f c t, और पी टी की जगह हम लोगों ने वही चीज लिखी जो अभी तक हम लोगों ने निकाली थी। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ये एम टी बाई टू, बहुत ज्यादा नहीं, बस खाली इतने वाले टर्म को एक्सपेंड कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करके, और बाकी सबको डैश 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 कर दीजिए, ठीक है? तो ये हमारी इतने सारे टर्म आ गए वी नॉट टी, जब उस खाली सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक। तो ये सारे टर्म आ गए। और जो स्विचिंग मॉड्यूलेटर होता है ना, वो बस खाली इतनी सर्किट नहीं होती है जो ये हमने बनाई है, इसके बाद भी हम इसको एक बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं, ठीक है? अब हम जो ये आउटपुट में इसमें आता है उसको हम बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग स्क्वायर ला मॉड्यूलेटर में भी कर रहे थे, उसमें भी हम लोग बैंड पास फिल्टर से पास कर रहे थे, और उसमें उस बैंड पास फिल्टर की क्या होती थी रेंज, fc-fm से fc+fm के बीच की रेंज होती थी, इस या ωc-ωm से। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में भी यही होती थी ना कल की क्लास में, तो ωc+ωm, इसी मतलब कि ये इस बैंड, इतने बैंड की में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हीं को अलाउ करेगा ये बैंड पास फिल्टर, बाकी फ्रीक्वेंसीज को अलाउ नहीं करेगा। बैंड पास फिल्टर का काम ही होता है कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करना, तो ये केवल इतनी जो फ्रीक्वेंसी जो आएंगी बीच की उन्हीं को ही अलाउ करेगा। चलिए ठीक है, ठीक। नेक्स्ट काम क्या हुआ, हम लोगों ने एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करके, अब हम इस, ये जो आउटपुट आ गया, अब आउटपुट को, ये जो आउटपुट आया इसको हम लोग ने बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे। ये हम लोग ये पूरे सिग्नल को बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज fc-fm से fc+fm के बीच में होगी। तो केवल दो टर्म ही हमारे आउटपुट तक आ पाएंगे। अब दो टर्म ही क्यों आउटपुट तक आ पाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी पहले ये बताओ कोई, इसकी फ्रीक्वेंसी fm होगी, है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी fc होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी fc+-fm होगी, इसकी, इस वाले टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2fc होगी, इस वाले फॉर टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3fc+-fm होगी, इस वाले टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, ये तो 1fc यहां से, 3fc यहां से, है ना? तो ये तो 2fc या तो होगी, एक एफ सी यहां से, एक एफ सी यहां से, तो और एक होगी 4fc, ठीक। इसकी आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी ये होगी, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी इस वाले टर्म की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी fc, ये और ये। तो बताओ भाई इनमें से कौन से टर्म पास होंगे हमारे बैंड पास फिल्टर से, ये पास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बैंड पास फिल्टर की जो वो केवल fc-fm से
एफ सी प्लस एफ एम के बीच की फ्रीक्वेंसी को ही पास करता है। ऐसे बैंड पास फिल्टर से हम लोग ये सारे टर्म को पास करेंगे। तो इसमें से कौन से कंपोनेंट केवल पास होंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम है, ये नहीं पास होगा। एफ एम बहुत छोटा होता है एफ सी से, ठीक है, एफ एम बहुत छोटा होता है एफ सी से। तो सीधी सी बात है, एफ एम की वैल्यू एफ सी माइनस एफ एम से भी बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो ये, और फिर ये वाला टर्म पास हो जाएगा, ये वाला टर्म पास हो जाएगा, ये वाला टर्म नहीं पास होगा, ये टर्म भी नहीं पास होगा। थ्री एफ सी के आसपास का टर्म है, ये टू एफ सी और फोर एफ सी है, ये भी नहीं पास होगा, ठीक है। तो केवल दो टर्म पास होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला टर्म पास होगा, ठीक है। ये देख लो, ये वाला और ये वाला टर्म पास होगा, बाकी सारे कोई टर्म पास नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर क्या आएगा देखते हैं। वही दो टर्म हम लोगों ने जो लिखे थे अभी, वही दो आ गए आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर में। अब इसमें से हम लोगों ने एसी बाई टू कॉमन ले लिया, फिर वन प्लस फोर अपॉन पाई ए सी एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी हो गया। तो हम ये जो इक्वेशन है, ये एक हमारी स्टैंडर्ड ए एम की जो इक्वेशन है उससे थोड़ी थोड़ी मैच खा रही होती है, ठीक है। तो वन ए सी डैश वन प्लस ए डैश एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, जहाँ पे ए सी डैश जो मतलब आउटपुट में जो कैरियर का एम्पलीट्यूड आता है, वो जो हम लोगों ने इनपुट में जो लिया था ना एम्पलीट्यूड, उसका आधा आता है इसमें, ठीक है। तो ए सी डैश अपॉन टू, और इसमें जो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी आती है वो आती है के डैश इक्वल टू फोर अपॉन पाई ए सी। इस वाली अगर हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर को यूज कर रहे हैं तो इसमें जो हमारी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी आती है फोर अपॉन पाई ए सी। तो न्यूमेरिकल क्या आ जाएगा कि आपको ए सी क्या है, जो हम लोगों ने कैरियर का एम्पलीट्यूड उस समय पे जो हम लोग सर्किट में जो ले रहे थे ना सी टी, है ना, और ये जो यहाँ पे फिर डायोड लगा के यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे जो सी टी में जो कैरियर का एम्पलीट्यूड लिया था वो ए सी है। एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई है उसमें जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो इस ए सी का, इसका इसमें जो एम्पलीट्यूड था उसका आधा है, ठीक है, ठीक। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आई है उसमें जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो इस जितना हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट करा था उसका आधा है, और एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है फोर अपॉन पाई ए सी है, फोर अपॉन पाई ए सी है। और तो अगर हमें एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी पता चल गई तो हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। न्यू इक्वल टू के होता, क्या होता था, के डैश और एम टी का मैक्सिमम, है ना। तो के डैश हम लोग को पता है कि क्या है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू फोर अपॉन पाई ए सी, है ना, फोर अपॉन पाई ए सी और एम टी मैक्स, ठीक। यहाँ पे मैं एक बार साफ साफ लिख दे रहा हूँ, म्यू इक्वल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या आ जाएगा, फोर अपॉन पाई ए सी एम टी मैक्स, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ जाएगा, ठीक। तो इसके सीधे सीधे न्यूमेरिकल अगर आएगा तो सीधे सीधे आ जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी क्या होगी, अब इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, हमने स्विचिंग मॉड्यूलेटर का यूज करा है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको स्विचिंग मॉड्यूलेटर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके, और अगर आप हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सकते, आपको कुछ फायदा होता हो इस कोर्स से, अगर आप चाहते हो कि हम और भी इस तरीके से कोर्स बनाते रहें, तो आप प्लीज हमें थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करें, आप receptorson.com पे जाके, क्योंकि ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो receptorson.com पे जाके सपोर्ट नाम का पेज है, उस पर आप अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियली तो जरूर करें। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारी जो वेबसाइट है preceptorson हिंदी, इस वेबसाइट बोल रहा हूँ मैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है preceptorson हिंदी, इसको प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,
और प्लीज इस चैनल को प्लीज शेयर करिए, अपने दोस्तों में पहुंचाइए, हमारे वीडियो को दोस्तों में पहुंचाइए, ठीक है। अगर और जो भी अगर कोई परेशानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहले कोशिश करिए कि कोई एरर ना हो, लेकिन अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो प्लीज आप बता दीजिएगा, तो मैं उस वीडियो को एडिट कर दूंगा। अगर एडिट करना पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं उस वीडियो को बदल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता। माता सरस्वती विद्यादानी दयानी दुःखहरणि जगत जननी माता सरस्वती शारदा सरस्वती शारदा।